अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू अम्मी का ख़ज़ाना। आज मैं आपको भरवा पटल बनाना बताऊंगी। इसे आप कलौंजी के भी नाम से जानते होंगे। इसके लिए हमें मसाले चाहिए, 1 टीस्पून पीला राई, 1 टेबल स्पून धनिया, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1/2 टीस्पून मेथी दाना, 1/2 टीस्पून कलौंजी और 4-5 हम ये लाल मिर्च लेंगे। और हमें चाहिए लहसुन, और इसके लिए हमें चाहिए कटी हुई हरी मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी और नमक आप अपने पसंद के हिसाब से, और 1 बड़े प्याज जो मैंने ये छोटे छोटे स्लाइस करके रखे हैं, और हमें चाहिए तेल। आइए सबसे पहले हम इसके बीज निकाल लेते हैं। इस तरीके से हम बीज में हल्का सा कट करेंगे। ये हमने हल्का सा कट कर लिया है। अब इसके अंदर के बीज हम इस तरीके से निकाल लेंगे। इसके बीज को हम फेंकेंगे नहीं, ये हम मसाले में ऐड करेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से हम इसे निकाल लेंगे। ये हमने पहले से निकाल के रखे हैं सारे। अब मैं आपको इसमें ये सारे मसाले हम हल्का सा रोस्ट करके इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं, और इसी में हम लहसुन भी ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करके हम आपको बताते हैं। ये सारे मसाले हमने ग्राइंड कर लिए हैं, धनिया, सौंफ, मेथी और कलौंजी, सारा हम मसाला इसमें ऐड कर देंगे जो बीज हमने पहले से निकाल के रखे हैं। अब इसी में हम हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक और प्याज, और एक चीज़, इसे हम सरसों तेल में ही बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। इसमें हम तेल थोड़ा सा ऐड कर देंगे, थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे जिससे मसाला हमारा सारा मिक्स हो जाए। अब इसे हम इस तरीके से सारा मिला लेंगे। मसाले हमने अच्छी तरीके से ऐड कर लिए हैं, और अब हम ये आलू लिए हैं। ये आलू ऑप्शनल है, हमारे बच्चे बहुत पसंद करते हैं इसलिए हम इसे इसमें डालेंगे। आप भी डाल सकते हैं। इसमें हम हल्का सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, और इसे हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। मिलाकर इसे हम 5 मिनट के लिए इसी तरीके से रख देंगे मिला के। सबसे पहले हम तेल को गर्म कर लेंगे। 2 बड़े चम्मच हम तेल डाल देंगे। इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है। गर्म करके इसे हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे, फिर हम आपको बताते हैं। अब हम इसे इसके अंदर भरेंगे, इसकी फिलिंग्स इसके अंदर भर देंगे। इस तरीके से करेंगे और इसके अंदर ये हम भर लेंगे। ये देखिए, इसे इस तरीके से करके इसी तरीके से हम सारा भर लेंगे। ये देखिए, एक मैं और आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, इसी तरीके से हम सारा भर लेंगे। हमने सारे इस तरीके से भर कर रख लिए हैं, और ये थोड़ा मसाला हमने बचा लिया है। इसमें हम आलू भी इसी में मिला देंगे। इस तरीके से मिला के रख लेंगे, और तेल भी अब हमारा ठंडा हो गया है। आइए देखिए हम तेल में किस तरीके से रखेंगे इसे। अब इसे हम सारा इस तरीके से सजा लेंगे इसमें। इस भरा वाला हिस्सा ये हम ऊपर ही रखेंगे। इस तरीके से हम सारा रख लेंगे। अब इसी में हम आलू भी डाल देंगे। इस तरीके से किनारे किनारे हम सारा आलू लगा देंगे। ये सारा बचे हुए मसाले हम आलू के ऊपर थोड़ा थोड़ा डाल देंगे, इससे इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। हम हल्का सा थोड़ा सा पानी डालेंगे, बिल्कुल हल्का सा बस। अब इसे हम बिल्कुल लो फ्लेम पर, इसे हम गैस पर रखते हैं। आइए आपको बताते हैं। हमने गैस पर रख दिया बिल्कुल लो फ्लेम पर, और इसे हम ढक देते हैं 15 मिनट के लिए।
फिर हम आपको बताते हैं। ये 15 मिनट हो गए हैं, अब इसे हम खोल कर देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा, अभी हम इसे 15 मिनट और बनाएंगे। और अब इसका तरीका ये है कि इसे हम इस तरीके से थोड़ा कढ़ाई को टेढ़ा कर करके इसे हम लाल करेंगे, बिल्कुल थोड़ा हल्का सा लाल हो जाना चाहिए। इसी तरीके से इसे हम घुमा घुमा कर इसे हम लाल कर लेंगे, फिर 5 मिनट बाद हम आपको बताते हैं। मिनट हो गए हैं, अब इसे हम देखते हैं खोल। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। और इसे हम देख लेते हैं, देखिए ये आलू भी हमारा गल गया है, पटल भी बिल्कुल गल गए हैं। अब गैस को हम ऑफ कर देते हैं और इसे मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा भरवा पटल बनकर तैयार है। उम्मीद है मेरा ये डिश आपको पसंद आया होगा। मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। इससे मेरी नई नई वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।